पर प्रश्नों के माध्यम से जब भी कोई फ्लोर पर जिस तरह का व्यवस्था हुई, व्यवस्था के आधार पर कुछ कहना पड़ा या व्यक्तिगत मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं बहुत ही लोकप्रिय, उन्होंने खुद ही नहीं अपने आप में कहा कि सरकार मिटाकर छोड़ेंगे, जो हमारा विजन है, जो काम है, जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार काम करके। जनता को भी बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे। अपेक्षा के लिए बने जो काम करने के लिए काम करेंगे। क्या बदलाव देखने को मिलेगा 5 साल में? बदलाव में ये है जो मतलब कांग्रेस के कुशासन था उसको निश्चित रूप से स्वराज लाएंगे, अच्छा भ्रष्टाचार जो चल रहा था उस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, निश्चित रूप से जन भावना है लोगों की जो काम करने का, जो मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आदरणीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आगे मंत्री पद के दावेदार हैं आप? ये कोई मेरा दावेदारी का कुछ होता नहीं है इसमें, तो आप सीनियर हैं, 3 बार से बने हैं। वो तो ऊपर वाला जाना है या हमारे ऊपर के नेता जाना है? मन कोई ऐसी इन चीजों के लिए मन नहीं होता है। कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। देखा नहीं आपने हमारे कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री बन गए। पेपर लीक मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट मुख्यमंत्री बनते ही SIT की घोषणा कर दी, आपको पता। और महिला जो अत्याचार के बारे में जो कह रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से महिला अत्याचार को समाप्त करके छोड़ेंगे, सारा टास्क फोर्स बना दी गई है, निश्चित रूप से इस पर हमारे नई सरकार काम करे। राजस्थान नंबर 1 है अत्याचार में, महिला अत्याचार में। अब नंबर 1 पर सारे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, सारी जो महिला अत्याचार उनको समाप्त करेंगे और मैं कह रहा हूँ अच्छा शासन लाकर नंबर 1 पर। मोदी जी की योजनाओं को कैसे धरातल पर लाएंगे आप लोग? धरातल पर चल रही है और चलाने का काम करेंगे, जब समय समय पर जब भी जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं और उनको अपना काम टारगेट तो आएगा और टारगेट तो हमारा पक्का बना है, 25 में 25 हमारी सीटें।